हिंदी सेक्चर, पिछले लेक्चर में हम लोग ये देख चुके थे कि पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के पहले में पॉलिनेशन के पहले मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट। तो मेल गैमेटोफाइट हो गया मैच्योर पोलन ग्लैंड इन थर्ड स्टेज, थ्री स्टेज, थर्ड स्टेज में थ्री सेल स्टेज, अब तो थर्ड स्टेज जैसे बोलता है कोरोना टाइप का थर्ड स्टेज, बट थ्री सेल स्टेज दैट इज मैच्योर मेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक दैट इज सेवन सेल एंड एट न्यूक्लिएटेड स्टेज दैट इज मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये इस दोनों के पास पोलन ग्लैंड के पास दो मेल गैमेट्स हैं, इसलिए एक होमवर्क दिए थे कि गैमेटोफाइट आखिर उसको क्यों रहे हैं? तो वो जो बॉडी जो गैमेट प्रोड्यूस कर सकते गैमेट फॉर्मिंग या प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। सिमिलरली द स्पोर फॉर्मिंग बॉडी स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पोरो। गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग फॉर्म इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो हम लोग दोनों मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट ऑलरेडी वी हैव सीन दैट हाउ इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड देन आफ्टर उसके बाद हम लोग पता कर देते हैं कि मेल गैमेटोफाइट बनेगा कहां पर एंड देन इट इज प्रेजेंट ऑन ये एंथर वर्ल्ड और एंथर के अंदर बना हुआ क्या पोलन सैक है और यहां पर बना हुआ थ्री सेल स्टेज में क्या मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट आप कहां पर देख रहे हैं ये स्टिग्मा है गाइनेशियम के अंदर बनेगा और ये ओवरी है ओवरी के अंदर ओव्यूल है और इसके अंदर है एम्ब्रायो सैक और एम्ब्रायो सैक जो है यहां पर प्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है दोनों डिस्टेंस पर है। अब पहला जो है कि मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्लैंड क्या हो जाएगा ट्रांसफर पोलन ग्लैंड का ट्रांसफर जो होगा ये प्रोसेस ये कहलाएगा मेरा क्या पॉलिनेशन ये कहलाएगा मेरा पॉलिनेशन। फिर यहां पर पहुंच गया पोलन ग्लैंड और यहां से ट्यूब बनेगा और ट्यूब आकर के यहां तक आकर के इसमें रिलीज करेगा मेल गैमेट को ये यहां से गिरने से लेकर के यहां तक एंट्री पॉलिनेशन के बाद इसके जर्मिनेशन से फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन से लेकर के इसके एम्ब्रायो सैक में एंट्री थी ये कहलाएगा ये बीच का जो प्लेट कहलाएगा ये पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है उसके बाद एम्ब्रायो सैक में एंट्री के बाद
एंट्री के बाद जो हम लोग यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन का हम लोग का पूरा हो जाएगा, ये प्री फर्टिलाइजेशन का सारा इवेंट पूरा हो जाएगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन को हम लोग देखेंगे और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन को देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको देख रहे हैं पॉलिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि वो यहां पर है पॉलिनेशन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जिसमें डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर या द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ये हम लोग देखते हैं तीन तरह का है। एक को हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी, उसके बाद बोलते हैं हम लोग ज़िग्नोगैमी, उसके बाद टाइप है ज़ेनोगैमी। अब यहां पर देख लीजिए एक प्लांट है, इसका ये सेम फ्लावर का इसका ये एंथर हुआ और इसी फ्लावर का स्टिग्मा और यहीं से यहां ट्रांसफर, सेम फ्लावर पर, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोगैमी, यानी सेम फ्लावर का एंथर और उसी फ्लावर का स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। इथनोगैमी में क्या होता है, प्लांट सेम है फ्लावर अलग है, प्लांट सेम है और फ्लावर अलग है, माने इस फ्लावर का स्टिग्मा हो और इस फ्लावर का एंथर और इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पर, इसका खुद का भी आंसर होगा, खुद का भी आंसर होगा और इसका भी खुद का भी स्टिग्मा होगा, इससे आपको प्लांट क्या है, सेम प्लांट है सेम, लेकिन फ्लावर है डिफरेंट। प्लांट है सेम एंड फ्लावर इज डिफरेंट, तो इसके केस में हम लोग क्या लिखेंगे, सेम प्लांट सेम फ्लावर, इसके केस में क्या लिखेंगे, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। और ज़ेनोगैमी है डिफरेंट प्लांट, ज़ेनोगैमी जो लिखे हैं ये डिफरेंट प्लांट होगा, जैसे इस प्लांट का इसके फ्लावर का एंथर हो और ये प्लांट है इसके फ्लावर का स्टिग्मा,
इसका भी अपना आधार होगा, नहीं भी हो सकता है, कोई शर्त नहीं है। यहां से पोलन ट्रांसफर इसी वजह, यह प्लांट ए है और ये प्लांट बी, ठीक है। इस बार क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिफरेंट प्लांट, बट डिफरेंट फ्लावर भी तो डिफरेंट ही है फ्लावर, लेकिन इसका क्या होगा, स्पेसीज सेम है सबका, स्पेसीज सेम, यहां भी स्पेसीज, इसके बोलने की जरूरत ही नहीं था दोनों में, सेम स्पेसीज, इसका भी स्पेसीज सेम रह जाएगा। इन दोनों में तो सेम बोल रहे, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं था, सेम स्पेसीज सेम स्पेसीज, इसमें क्योंकि प्लांट अलग अलग होता है तो सेम स्पेसीज बोलने का बहुत सारा मतलब। अब ये तो तीन मेथड, इसमें लेकिन हम लोग पढ़ते कैसे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें तो याद रखना है कि ये दोनों जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के साथ क्या होंगे, प्लांट सेल्फ प्लांट होते हैं, ठीक है। और ये कैसा पॉलिनेशन है, इट विल बी क्रॉस पॉलिनेशन, इट विल बी क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन सब क्योंकि प्लांट अलग है, ठीक है। तो हम लोग उस पर देख रहे हैं ऑटोगैमी प्लस जिप्नोगैमी, लिख लीजिए इसको, ऑटोगैमी प्लस जिप्नोगैमी इज बोथ आर सेल्फ पॉलिनेशन वेयर जेनोगैमी इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें यदि देखें, देखो ऑटोगैमी, ऑटोगैमी को हम लोग देखते हैं, आप उसी के नीचे लिखें क्योंकि हमको झुक के लिखना पड़ेगा, और ये फंक्शनली एक देखेंगे फंक्शनल वाइज और दूसरा क्या है जेनेटिकली, ठीक है। ये फंक्शनली भी सेल्फ और जेनेटिकली भी सेल्फ, ये फंक्शनली हो जाएगा क्रॉस और जेनेटिकली हो जाएगा, ये फंक्शनली हो जाएगा क्रॉस और जेनेटिकली हो जाएगा सेल्फ, ठीक है। और ये जो है फंक्शनली भी क्रॉस और जेनेटिकली भी क्रॉस, इसलिए ये दोनों दो फ्लावर इन्वॉल्व हो रहा है और दोनों दो फ्लावर इन्वॉल्व होने से ये हो जाएगा, ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन दिख रहा है और जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन दिख रहा है। ये फंक्शनली जो है क्रॉस दिख रहा है, फ्लावर डिफरेंट हो गया, फंक्शनली इट इज क्रॉस, बट जेनेटिकली क्या है सेम प्लांट, इसका जो के प्रयोग के समय जैगोट बनते समय जो जेनेटिक्स इसका फिक्स हो गया होगा, वो फिक्स हो गया होगा, तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ ही रह गया, ये भी जेनेटिकली सेल्फ ही रह गया और फंक्शनली भी ये सेल्फ रह गया। तो ये फंक्शनली तो हम लोग एफ से रिप्रेजेंट किए हैं और जेनेटिकली तो हम लोग जी से रिप्रेजेंट किए, ठीक है, हो जाएगा ना, इतना ड्रॉप कर लीजिए जल्दी जल्दी। उसके बाद हम लोग इसके दूसरे टाइप जाते हैं, देर आर सम फैक्टर्स विच प्रमोट्स सेल्फ पॉलिनेशन
And in the similar fashion, there are some factors which promotes cross pollination. तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि factor promoting this pollination, or it is in another word, it is also called contrivances of self pollination. तो हम लोग आगे जो पढ़ेंगे that is contrivances of the contrivances of self pollination. Bird pollination. The fourth one is
बर्ड पॉपुलेशन। इसको बढ़िया से इसका एग्जांपल भी बहुत सारा है। एक तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो मेंडेलियन पी है प्लॉट, उसमें प्लॉट बर्ड पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि बर्ड पॉपुलेशन में क्या देखना है, क्या लिख है कॉरोला, इन दोनों का डेवलपमेंट थोड़ा स्लो है जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट फास्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो चुका है और फ्लावर एज ए होल इसका कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला ये अभी डेवलप नहीं है। इसका डेवलपमेंट क्या नहीं है जबकि एंड्रोसियम और गायनासियम ये मैच्योर हो चुका है। ठीक है, अब इसकी मजबूरी है कि ये दोनों मैच्योर्ड है, ये गायनासियम हुआ, ये एंड्रोसियम हुआ, ये दोनों मैच्योर्ड हो गया और कैलिक्स कोरोला भी डेवलप हुआ नहीं, तो फ्लावर क्या होगा? ये तो अभी बर्ड स्टेज में है, ये फ्लावर किस स्टेज में हो जाएगा? बर्ड स्टेज में है लेकिन ये तो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि पॉलिनेशन जो है रेडी फॉर पॉलिनेशन, अब पॉलिनेट कर सकता है। तो ये जो तीसरा फैक्टर है बर्ड पॉलिनेशन, ये इसका मीनिंग ये हुआ कि कैलिक्स और कोलोरा अभी डेवलप नहीं किया है, एंड्रोसियम और गायनेसियम डेवलप हो चुका है, तो फ्लावर अब रेडी है पॉलिनेशन के लिए। और फ्लावर कैसा दिख रहा है? दिख रहा है बर्ड जैसा, दिख रहा है कैसा है बर्ड जैसा, लेकिन यहां पर ये रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर है। रिप्रोडक्शन वाइज मैच्योर तो पॉलिनेशन करेगा, और पॉलिनेशन जो होगा वो क्या होगा बर्ड पॉलिनेशन। तो ये सारे करने इसको या इसको बोलते हैं कंट्रीवांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, कंट्रीवांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन या फैक्टर सपोर्टिंग सेल्फ पॉलिनेशन। एक हो गया क्लिस्टोगम, फ्लावर ओपन नहीं किया तो सेल्फ पॉलिनेशन, बाइसेक्सुअलिटी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एंडोसियम गायनोसियम खुद के पास है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इंक्रीज कर रहा है। तीसरा हो गया होमोगेमी, यदि एंडोसियम गायनोसियम सेम टाइम पर डेवलप हो रहा है, सिंक्रोनस डेवलपमेंट है, मैच्योरिटी सेम टाइम, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा कि बर्ड स्टेज में फ्लावर मैच्योर हो गया, और फ्लावर यदि बर्ड स्टेज में मैच्योर हो गया देन इट ऑल्सो प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहां पर देखिए जो फ्लावर क्रिस्टोगेमी को हम बताए थे और दूसरा उससे उल्टा हुआ चेजमोगेमी, दोनों टर्म एनसीईआरटी में मेंशन है और दोनों टर्म को बढ़िया से ये क्वेश्चन का पॉइंट हो जाता है। यहां पर से पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको और एनसीईआरटी में दो तीन एग्जाम्पल हैं उन सारे को भी आपको देखना है। तो क्लिस्टोगेमी है और एक है क्लिस्टोगेमी और इसके अपोजिट हुआ चेजमोगेमी। इसमें क्या है क्लिस्टोगेमी में क्या बताया था कि फ्लावर डज नॉट ओपन, फ्लावर ओपन ही नहीं करता, डज नॉट ओपन। और इसमें क्या होता है चेजमोगेमी में ना फ्लावर भी ओपन, फ्लावर ओपन होगा ब्लूम। ठीक है, दूसरा क्या होगा फ्लावरिंग के लिए वर्ड एंथेसिस,
एंथियोसिस इन एब्सेंस, और उसमें क्या होता है एंथीसिस प्रेजेंट, एंथीसिस के ओपनिंग के दिशा में जैसा भी वो ओपनिंग है। कल इसका टेक्निकल वर्ड ठीक है, पर ये दे दिया एंथीसिस तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। और फ्लावर यदि एंथीसिस हो ही नहीं रहा ये कैसे देगा, ये किसको प्रमोट करेगा सेल्फ को, और इसकी ये किसको प्रमोट करेगा क्रॉस को, तो इसको पॉलिनेटर चाहिए क्या, पॉलिनेटिंग एजेंट या पॉलिनेटर्स नॉट रिक्वायर्ड। इसका पॉलिनेटर रिक्वायर्ड पॉलिनेटर रिक्वायर्ड करेगा तो पॉलिनेटर से अट्रैक्ट करने के लिए इसको कोई कलर का जरूरत है, जनरली कैसा फ्लावर होता है डल कलर फ्लावर का कलर कैसा होगा जनरली डल कलर, क्योंकि कोई पॉलिनेटर सस्ता दस्ता ज्यादा कौन है, मतलब ज्यादा डियो वो दुनियादारी ये सब, या इधर लिपस्टिक विपस्टिक दुनियादारी हेयर स्टाइल बाकी सब कुछ अट्रैक्ट करने के लिए ठीक है, टू क्रिएट अट्रैक्शन। और ये तो बहुत बढ़िया बात है, ऐसे मैं इसका मतलब कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन फ्लावर के सेंस भाई अब इसको किस पर सजना है भाई, फ्लावर खुलेगा नहीं अपना ही पोलन ग्रेन अपने ही लड़कियां ज्यादा सजती है वाइफ कम सजती है, उसका पॉलिनेटर फिक्स है। और ऐसे लड़के सब जो है वो भी ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं, हस्बैंड जो है मोटू सा डल सा कोई सा कपड़ा पहन करके तो नया घर लौट के आना नहीं, जनरली क्या होगा ज्यादा सजेगा जलेगा नहीं डर उधर होगा, और इसमें फ्लावर जनरली क्या होता है ब्राइट कलर या अट्रैक्टिव कलर। अब एनसीईआरटी में तीन चार एग्जाम्पल है उसको थोड़ा सा ध्यान में देते, इस नोट्स को पढ़ने का जो बढ़िया तरीका है जब भी पढ़िए नोट्स को पढ़ा रखिए, साथ में एनसीईआरटी को उसके बाद पढ़िए, नोट्स को कल पढ़िए नोट्स को पैड करके उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें बहुत मजा है। ऐसे थोड़ा सा बॉटनी वाला पार्ट जो है ना उतना अट्रैक्शन पैदा नहीं करता है, हम लोग बहुत ज्यादा उसमें क्या एंथुसियाज्म है ही नहीं ठीक है। और चलो उसमें देख लेंगे कि फ्लावर क्या क्या है, ओमेलिना दूसरा है ऑक्सेलिस कोमेलिना ऑक्सेलिस एंड बॉयलर कोमेलिना ऑक्सेलिस एंड बॉयलर, इसमें क्या हो सकता है कंडीशन एम्बिगुअस, फ्लावर इस्ट्रोगैमस भी हो सकता है और सेफोगैमस कंडीशन भी है, मेबी कंडीशन डिपेंडेंट
अराकिस 540 अराकिस 540 इसमें ऑलवेज क्या है लिस्ट ऑफ क्लिस्टोगैलस कंडीशन इज प्रेजेंट क्लिस्टोगैलस कंडीशन इज प्रेजेंट इन तीनों को देखोगे यह एनसीईआरटी से एग्जाम में आता है ठीक है चलो ये पार्ट अब यहां पर देखोगे एक चीज देखेंगे एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैलस What is advantage of cleistogaly? Advantage of cleistogaly. एक तो क्या करेगा? ये self pollination करेगा. इसका promotion करेगा. ये self pollination को promote करता है. दूसरा इससे फायदा क्या होगा? एससीओर पॉलिनेशन का चांसेस कितना होता है बहुत ज्यादा है मोर चांसेस ठीक है और इसका फायदा क्या होगा एससीओर सीड प्रोडक्शन सीड प्रोडक्शन की गुंजाइश ज्यादा यदि कंडीशन हो जाएगा क्लिस्टो गैलस तब ठीक अब इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं फैक्टर दैट प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन फैक्टर दैट प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन लिखो फैक्टर दैट प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन या कंट्री वार्सेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन फैक्टर दैट प्रमोट्स और सपोर्ट्स क्रॉस पॉलिनेशन या इसको हम लोग क्या बोलेंगे कंट्री वर्सेस ऑफ प्रमोट इसको हम लोग बोलेंगे कंट्री वर्सेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इसको कंट्री वर्सेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इसको हम लोग करेंगे पहले पहले क्या करें वापस लिस्ट कर लिया था यहां पर क्या प्रसार के लिए क्लिस्टोगैमेट यहां पर किसको होगा चेक हो गए एक ठीक है सेकेंड हो जाएगा यहां पर क्या था बायसेक्सुअल था मतलब बायसेक्सुअलिटी यहां पर क्या केस आ जाएगा क्या यूनिसेक्सुअलिटी यूनिसेक्सुअलिटी भी प्रमोट तीसरा क्या था वहां पर होमोगेमी यहां पर कंडीशन क्या था होमोगेमी यहां पर कंडीशन क्या है टाइम डिफरेंट हो जाएगा डाइकोगेमी क्या एंड्रोसियम और गैलिसियम का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा एंड्रोसियम एंड गैलिसियम डेवलप्स एट
डिफरेंट टाइम। डेवलपमेंट दोनों का होगा, ऐसा नहीं कि कोई डेवलप नहीं करेगा, डेवलपमेंट दोनों का होगा लेकिन टाइम डिफरेंट होगा। मान लीजिए कोई फ्लावर है, इसका एंड्रोसियम डेवलप करके और इसका मेरिस्टेम अभी डेवलप नहीं किया, एंड्रोसियम हो गया डेवलप, मेरिस्टेम रह गया अनडेवलप्ड। और बगल का फ्लावर, इसका बगल का फ्लावर है, इसका अभी मेरिस्टेम डेवलप्ड, ठीक है, इसका एंड्रोसियम डेवलप है या नहीं है उसको अंदर छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसके पास ऑप्शन है पॉलिनेशन इस पर जाए और पॉलिनेशन इस पर जाए, दोनों फ्लावर चेंज हो गया, उसका कंडीशन है ओपन कंडीशन है फ्लावर, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो ये अटेम्प्ट तो अनसक्सेसफुल होता है, ये अटेम्प्ट जो है इसका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो क्या देखेंगे, डाइकोगैमी जो है किसको, ये वाला केस, ये वाला केस क्या हो जाएगा सेल्फ के लिए, और ये वाला केस कैसा हो जाएगा क्रॉस के लिए, तो क्रॉस को ये सपोर्ट कर रहा है और सेल्फ अनसक्सेसफुल, समझ में आई बात, ठीक है। ये जो अलग अलग है एंडोसियम और मेरिस्टेम का डेवलपमेंट का टाइम अलग अलग हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डाइकोगैमी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डाइको डाइकोगैमी में भी हम लोग दो चीज को पढ़ते हैं, यदि एंथर का डेवलपमेंट बंद है, एंथर डेवलप्स फर्स्ट, ये कंडीशन कहलाता है प्रोटो एंट्री, दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटो एंट्री। और यदि गैनेशियम का डेवलपमेंट पहले हो जाए तो गैनेशियम डेवलप्स फर्स्ट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटो गाइनस गाइन। तो प्रोटो एंट्री भी हो सकता है और प्रोटो गाइनस भी हो सकता है। प्रोटो एंट्री वाला जो कंडीशन है, दिस कंडीशन प्रोटो एंट्री, दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन साल्विया एंड कॉटन, दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन साल्विया एंड कॉटन, ठीक है, एंड दिस कंडीशन प्रोटो गाइनस, दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन फाइकस एंड एरिस्टोलॉजी, याद करने की जरूरत है, एरिस्टोलॉजी, एरिस्टोलॉजी, ठीक है, ये याद करने का जरूरत, प्रोटोएंट्री प्रोटोगैनी याद है, ठीक है, ये एग्जांपल एग्जांपल जो है याद हो या याद नहीं हो, दोनों कंडीशन में कोई बड़ी बात नहीं, याद हो गए थोड़ा सही हो, नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तीनों तो कंपैरेटिव वैल्यू पर है, ये तीनों तो ये वाला था सेल्फ वाला और ये सब किसका वाला था क्रॉस कॉन्ट्रेरी था, इसका ये एंटोनिम्स था, अपोजिट टाइप का चल रहा था, या बाइसेक्सुअल था या यूनिसेक्सुअल था या किस्टोगैमस या चेरमोगैमस या होमोगैमी या डाइकोगैमी, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ और जो है, एक हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोटेंसी और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हर्पोगैमी। ये तीनों इसके कंट्रेरी में वहां पर वर्ड सेल्फ वाले में नहीं था, ये तीन अलग अलग है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं हर्पोगैमी,
पॉलिनेशन कर नहीं पा रहा है, ठीक है। यानी दोनों मैच्योर है, एंथर भी मैच्योर है, स्टिग्मा भी मैच्योर है, लेकिन इन दोनों के बीच में बैरियर। सम फिजिकल बैरियर्स और ये बैरियर है, ये हो गया इसका एंड्रोसियम और ये हो गया इसका मैनेसियम, ये फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर, फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर। विलेन हिंदी मूवी में हीरो रेडी हीरोइन रेडी और विलेन जो है मिलने नहीं दे रहा है, तो फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर। इफ यदि ये जो कंडीशन होता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हर्को, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हर्को गैरी, फिजिकल बैरियर या मैकेनिकल। कुछ देर पहले बताया कि जाता है कि पोलिनिया है, ये क्या बताया था, पोलिनियम बताया था कि समूचा स्पोरेंडिया जो है ये एक साथ पोलिनेट हो रहा है, होल स्पोरेंडिया एक साथ पोलिनेट हो रहा है, दैट वाज पोलिनियम, ठीक है। ये होल स्पोरेंडिया अब क्या करेगा, यहां पर देखो अब कोई आएगा, ये हैवी होगा, ऐसा होगा, ये हैवी होगा, खुद से एयर वर्क का पॉलिनेशन एयर वर्क के थ्रू ये नहीं जा पाएगा, तो एयर वाला क्या हो जाएगा एजेंट, जो मोस्ट कॉमन एजेंट है वो फेल्योर हो गया। अब इसके लिए क्या कौन इन्वॉल्व होगा, कि इंसेक्ट्स इन्वॉल्व जो इसको टांग करके वो करके दूसरी जगह पर, ये क्या है, इसका हैवी हो जाना एक तरह का फिजिकल बैरियर। और ये कंडीशन किसमें प्रेजेंट होता है, कभी देखे हो अटका हुआ फूल जैसा रहता है, अब सब तरफ से होता है तो हम तो ऐसे बना नहीं सकते हैं अपना, ठीक है। दैट इज द फ्लावर ऑफ, थोड़ा मोड़ा याद आ रहा, आंख ले अकवन कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस तो हिंदी में बोलते हैं ना, बाबा मंदिर से बचपता है भोला बाबा अकवन हिंदी में बोलते हैं इसको अकवन, या आंख भी बोल सकते आंख का फ्लावर। इसमें क्या है, मैकेनिकल बैरियर है, ठीक है, और ये बैरियर के कारण यदि हड़काने वाला एजेंट हो तो आफ्टर मैच्योरिटी ये भी रेडी, ये भी रेडी, अब बैरियर जो है इसको मिलने नहीं दे रहा है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हर्पोगैमी। और हर्पोगैमी में इन दोनों के बीच में बैरियर है, तो हर हालत में क्रॉस ही हो, खुद का पॉलन में खुद के फ्लावर पर कभी जा नहीं सकते, ठीक है। हर हालत में क्या होगा, हाँ ये क्या करेगा, प्रिवेंट्स हर्पोगैमी, ये मैकेनिकल बैरियर होगा, ये क्या करेगा, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, एंड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। एक और है सर प्रीपोटेंसी, चलो इसको लिख लिए,
प्रीपोटेंसी देखो तो एक स्टिग्मा है फ्लावर, इसको हम लोग पढ़ते हैं प्री पोटेंसी। लिखिए इसको। अब इसका यहां पर पोलन ग्रैंड ये सेल्फ वाला है और ये पोलन ग्रैंड ये क्रॉस वाला, ठीक है, ये फॉरेन पोलन ग्रैंड, ये कैसे विदेशी फॉरेन पोलन ग्रैंड। अब जनरली देखो एक अमेरिका में नौकरी करता है, हम लोग का जो होती है कंडीशन है सोशल स्टेटस क्या है, फॉरेन है, फॉरेन में कमाता है तो लड़कियां उसको ज्यादा प्रेफर करेंगी, नहीं विद कंपेयर टू देसी, मतलब उसको समझेगा कि नेग्लेक्टेड टाइप का या जैसा भी उसको समझेगा। तो कुछ फ्लावर के केस में क्या होता है कि ये ऐसा होता है जब दोनों लड़का जैसे आते हैं, ये भी फॉरेन ग्रैंड सेल्फ वाला भी आ गया और ये क्रॉस वाला या फॉरेन वाला आ गया, क्रॉस और फॉरेन वाला आ गया, क्या होगा अब प्रमोट क्या करेगी, अब इसका ये जर्मिनेशन करके मान लें इसका यहीं तक पहुंचा और तब तक मैं इसका जर्मिनेशन होकर के पोलन ट्यूब जो है यहां तक पहुंच गया, तो क्या करेगा कौन पहुंचेगा जल्दी एम्ब्रियो सैक के पास, एम्ब्रियो सैक के पास निश्चित रूप से ये जल्दी पहुंचेगा। तो ये यहां पर क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियली दोनों पोलन ग्रैंड थे, दोनों पोलिनेट कर सकता था, पोलिनेट करने की एबिलिटी में कोई कंप्लेन नहीं था, दोनों से शादी होती तो बच्चा होता, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस किसको मिला, फॉरेनर को, और जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली फर्टिलाइजेशन का, ज्यादा आसमत, ठीक है, इसको फर्टिलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी मिली। तो यहां पर क्या है, फॉलन फॉरेन पोलन ग्रैंड शोज फास्टर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ये गोल को अचीव कर लिया, ये यही पर चुक लिया, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्री पोटेंसी। दूसरा अब इसी से थोड़ा सा अलग है, सेल्फ इन प्री पोटेंसी क्लोज करो, अब जो अगला लिखा रहे हो सेल्फ इनकंपेटेबिलिटी, दूसरा क्या है सेल्फ इन कॉम्पैटिबिलिटी, अगेन सेम केस है, एक स्टिग्मा उस पर ये एक सेल्फ वाला है और एक क्रॉस वाला है, ठीक है, अब सेल्फ वाला जो है ये जर्मिनेट ही नहीं करेगा और ये जो है जर्मिनेट करेगा, ठीक है, दोनों बेचारा आया था, दोनों आया था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन भी दोनों का, ये सेल्फ वाला था ये फॉरनर वाला था, दोनों आया, कंडीशन क्या हुआ कि ये जर्मिनेट ही नहीं कर सका और मतलब वो शूट ही नहीं किया। अब इसको ज्यादा हम मतलब दूसरी तरह से नहीं समझाएंगे, हम लोग ज्यादा समझ रहे हैं, अपने मोहल्ले छोड़ करके दूसरे मोहल्ले में जाकर के अरेंजमेंट जो होता है क्रॉस कंट्री अरेंजमेंट, समटाइम्स रिजल्ट्स इन क्रॉस कंट्री वॉर्स बहुत कॉमन है, ठीक, इससे बचो, मत करो, सिर्फ वह करोगे तो। अब क्या है इसमें जो है सेल्फ पोलन ग्रैंड्स सेल्फ पोलन ग्रैंड
ग्रैंड्स आर नॉट कंफर्टेबल. ठीक है, और फॉरेन कैलेंडर क्या हो जाएगा, तो फॉरेन वाला है. अब यदि क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है, तो पॉलिनेटिंग क्या रहेगी, एजेंट. ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स या पॉलिनेटर्स. सबसे ज्यादा पॉलिनेटिंग एयर से होता है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, पहले एबायोटिक मोर देन बायोटिक, एबायोटिक मोर देन बायोटिक. एक दूसरा एनिमोफिली, एबायोटिक में है तो एनिमो मोर देन.
इंसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर देख लिखता हूँ, स्पेस थोड़ा कम हो गया, इतना लिख लिया होगा। इधर लिखो इंसेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एंटोमो, एंटोमो एंटोमो के लिए। उसके बाद बॉस है, बैट है, बर्ड्स के लिए है ऑर्निथो, बर्ड के लिए ऑर्निथो। उसके बाद है एंट, चींटी है, स्नेल, स्नेक, सबके लिए। बैट के लिए लिखो तो चिरोटे, कायर, टेल। एंट के लिए, स्नेल के लिए, और एंट के लिए लिख लीजिए, एंट के लिए है मायरबैको, मारमेकोफिली। सेम स्नेक के लिए है मेलेकोफिली, स्नेक के लिए है ओफियोफिली, वुमेन के लिए है एंथ्रोफोफिली, एंथ्रोफो। कौन कौन बचा है? इंसेक्ट वर्ड्स बैट एंट स्नेक स्नेक सब के लिए मैक्सिमम, मैक्सिमम कैसे पॉलिनेशन, ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैक्सिमम पॉलिनेशन पहले क्या हो जाएगा? बायोटिक, बायोटिक में भी कौन? इंसेक्ट, इंसेक्ट में भी कौन? बी ऑलमोस्ट 80%। बायोटिक इंसेक्ट होने भी ऑलमोस्ट 80%, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम एडेप्टेशन बताएंगे, एडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे एडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन।